कि बिहार से जो मेरा रिश्ता है, आप लोग सोचते होंगे कि लॉकडाउन से शुरू हुआ, ऐसा नहीं। बिहार से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैं जब अपनी पढ़ाई करने गया कॉलेज के अंदर, इंजीनियरिंग किया था इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मेरे जो रूम पार्टनर्स थे पहले पंजाब के थे दो लड़के, और मेरी दोस्ती हुई सब बिहार वालों के साथ। और बिहार वालों ने वो मेरे पंजाब वाले रूम पार्टनर पीट पीट के निकाल दिए और खुद रूम पार्टनर बन गए। और तब से लेकर आज तक मेरा उनसे रिश्ते हैं, और आप ही के साथ कहीं वो बीच में बैठे भी हुए हैं आज की तारीख में। और उसके बाद जब हम दबंग फिल्म कर रहे थे, तो दबंग फिल्म का जो किरदार था छेदी से, वो बिहार का जो मैंने समय बिताया है बिहार वालों के साथ, उन्हीं के साथ ही इंस्पायर था। कैसे वो बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, इसीलिए छेदी से चुलबुल पांडे पर भारी थे भैया। भैया कानून के हाथ और छेदी से की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। स्पेशल लगता है, मैं आपको बता नहीं सकता कि जब मुझे पता चला कि मैं बिहार आने वाला हूं, तो नरेंद्र नारायण जी, हमारी भाभी विजय जी, थैंक यू सो मच, बहन है, भाभी है, सब कुछ है, आप हमारी, जो आज आपने मुझे इतने भाई बहनों दोस्तों के साथ मिलाया मुझे, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे नागपुर के अंदर बिहारियों का पंजाबियों का अक्सर कॉलेज में झगड़ा हुआ करता था, तो मैं सब बिहारियों के साथ खड़ा होता था और सामने पंजाब वाले खड़े होते थे, इधर से वो डंडा लेके खड़े हो, हम लोग खड़े हो, मेरे को पंजाब वाले बोलते थे, यार तू है पंजाबी, खड़ा बिहारियों के साथ है, चक्कर क्या है। तो मैंने बोला बिहार के साथ एक पुराना रिश्ता है हमारा, ने वापस यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और जो लॉकडाउन में मुझे मेरे भाई लोग मिले, तो मैंने एक बात की कसम खाई थी कि जब तक आखिरी हमारा प्रवासी भाई को घर नहीं छोड़ूंगा, तब तक ये जर्नी रुकेगी नहीं। और आज जब मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, मुझे जितना प्यार मिलता है, मुझे इतनी खुशी होती है दिल से, और इतना गर्व महसूस होता है। मैं आज इतने सब लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार मेरा दूसरा घर है। जब जब बिहार मुझे बुलाता रहेगा, मैं आता रहूंगा। और अक्सर जब एक्टर्स आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, तो वो अपने फिल्मों के प्रचार के लिए आते हैं, शायद कभी मैं भी आऊंगा, लेकिन आज मैं इतने हजारों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि जो भी मुझे सुन रहा है, देख रहा है, कि बिहार को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, आधी रात को 24 घंटे सोनू सूद खड़ा कर रहूंगा। और मैंने आज उनको बोला भी है, मेरे भाइयों को, कि मुझे, हम लोग स्कूल खोल रहे हैं जरूरतमंद लोगों के लिए, अस्पताल की फैसिलिटी खोल रहे हैं, तो मैंने बोला कि जो सबसे पहला स्कूल खुलेगा वो बिहार में ही खुलेगा। और आपके पूरे बिहार प्रदेश में कहीं भी किसी भी कोने के अंदर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी किसी भी स्तर का पढ़ाई करना चाहता है, जो नहीं कर सकता है या वो करना चाहता है, उसके सपने आप प्लीज प्लीज हम तक जरूर पहुंचेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी पढ़ाई और आपका इलाज रुकेगा। सर, ओके, सोनू साहब जी, अभी अभी जो ये देखिए सर, अभी सारा मोबाइल का जीपी है ना, इसी से भरने वाला है, आपके फोटोज है। ओके सर, मुझे एक बात बताइए, मुझे लगता है कि दो साल में हमारे देश में अपने बच्चों का नाम इतना सोनू रखा गया है, इतना सोनू रखा गया है, इतना सोनू, जिसका जन्म हुआ सोनू सोनू सोनू, मुझे लगता है कि स्कूल में ना हर एक बच्चे का नाम क्या नाम है तो सोनू। मैं एक और बात बताता हूँ, जब मैं एक्टर बनने मुंबई आया तो सबने कहा, यार ये नाम क्या हुआ सोनू, सूर्य को नाम होता है, कल तुम एक्टर बनोगे तो लोग बोलेंगे हीरो का क्या नाम है यार, ये सोनू सूद, यार नाम अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला यार नाम चेंज करना शुरू करते हैं। उस समय ये आर्यन आर्यमन ऐसे बड़े नाम फैशन में थे, मैंने कुछ ऐसे ही नाम रखते हैं, कुछ आर्यन सूद, आर्यमन सूद, ऐसे
अच्छा रखते हैं, लेकिन वो नाम चेंज नहीं कर पाया। मैंने बोला कि जब सोनू सूद मुझे यहाँ तक लेके आया तो सोनू सूद नाम आगे भी ले जाएगा, तो मैंने आपके साथ खड़ा कर दिया। थैंक यू सो मच। अरे क्या बात है मेरे भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मूवीज में मास ऑफ मूवीज में आपने हमेशा नेगेटिव रोल प्ले किया, और अगर रियल लाइफ की बात की जाए तो आप सबसे सक्सेसफुल और लोगों के मसीहा हैं। बिहार में तो सारे लोग आपको एक्टर नहीं बल्कि मसीहा नाम से बुलाते हैं। तो जब रियल आपने रियल लाइफ में ये रोल प्ले किया जो बहुत डिफरेंट था आपके रियल लाइफ कैरेक्टर से, तो आपने ये कैसे किया, क्या क्या चेंजेस अपने अंदर लाए? अरे नीति जी का कमाल का हुआ। एक और चीज सर, अगर आपने लिट्टी चोखा खाते हुए फोटो खिंचवाया हो तो कल से सारे लिट्टी चोखा पर बैनर पर आपका फोटो। मैं लिट्टी चोखा की बड़ी फोटो खिंचाई और लिट्टी चोखा पैक करके मैं बॉम्बे भी लेकर जा रहा हूँ। सर वो पिट्ठा भी है सर हमारे पास, तो दे दो यार, पैकर की क्या टेंशन है। किसी के पास पिट्ठा बना हुआ है घर में प्लीज मंगवा लो। बड़ा गर्दा रिपोर्टर है सर, देख रहे हैं आपको गमछा दे दिया। उतर जाइए, बर्दाश्त कीजिए जी। नहीं नहीं आपको शक हो रहा है। अरे भैया मानते हैं कि ये बिहारी सौ पे भारी है, लेकिन ये तो पुराना हो गया, अभी एक बिहारी हजार पे भारी। सुनो जी अभी अभी उन्होंने गमछा दिया, वो कह रहे हैं हम शर्ट भी देना चाहते हैं, ना पा जाएगा क्या? अरे शर्ट आप पहले देखे, गमछा हम संभाल लेते हैं, क्या बात है भैया। ओके सो गाइस, एक बार मैं मैम के लिए जोरदार ताली चाहूंगी। शी इज द वन जिन्होंने सर को बिहार बुलाया है। विजयलक्ष्मी मैम के लिए जोरदार ताली, कम ऑन सर। तालियां कब लगेगी? एक हाथ में मोबाइल है ना, इसलिए मोबाइल से कैसे तालियां बजेगी? ये दूसरे में मोबाइल टकरा सकते थे किसकी मर्जी। ओके सो ओके ओके शोर तो मचा सकते हो यार, एक बार जोर से। और आपको मैं बताऊं सर कि आजकल दो गाड़ी में एक्सीडेंट जब होता है ना तो सीधे कहते हैं सोनू निगम, सोनू सूद। होता है कि नहीं निगम मत बोलो, सोनू सूद, उसका प्यार शुरू हो जाता है दोनों में। ओके थैंक यू सो मच टू ऑल, और शो को आगे बढ़ाने का वक्त हो चला है। रोड डांस को आप लोगों ने अभी तक देखा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, तो थोड़ा भोजपुरी अंदाज में फिर से देखिए।